मैं दूसरी बार सऊदी में आया हूँ। मैं पहली बार आया था तो जेल के जरिए चला गया था, फिर दोबारा फिर सऊदी दोबारा मैं सऊदी में आया, आगे आके फंस गया हूँ इधर। मुझे 25,000 रुपया कपिल को देना है, 25,000 रियाल कफिल को दोगे, उसके बाद ही आप सऊदी से जा जा सकते सकता हो। हूँ। तो बहुत ही, अगर आप लोग भी सऊदी में हुरूप लगाया है या डिपोर्ट होकर के गए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ है एक भाई साहब, सलाम अलैकुम, क्या हाल है? तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद इमरान। तो इमरान भाई, आप इंडिया में कहाँ से हैं? यूपी। तो इस वक्त आपके साथ क्या मसला चल रहा है? मेरे साथ, में सऊदी में दूसरी बार में आया, दूसरी बार आया, पहली बार में आया था। हाँ, तो मेरा कपिल सही नहीं था। सही नहीं था, आप वापस छुट्टी गए थे? नहीं, छुट्टी नहीं, मैं जेल था। अच्छा, आप जेल के जरिए इंडिया चले गए। हाँ। तो जेल में आपको कितने दिन रखा था? 2 महीने। 2 महीने रह के चले गए, आपको लगा कि सारा मसला खत्म हो गया, तो दोबारा आप सऊदी में आए वीजा लेकर के। तो अभी आप किसी कंपनी में आए हैं या वैसे किसी कफिल के पास? कंपनी में। तो थोड़ा फ्रेम में आ जाओ। तो आप इस वक्त कंपनी में, तो कंपनी में है, तो अब आपके साथ क्या मसला चल रहा है? अगर आपको इंडिया जाना है या आप एयरपोर्ट से वापस आए हो, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? मैं गया उधर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से बोला कि तुम जा नहीं सकते हो। ये क्यों नहीं जा सकते, क्या रीजन है? वो बोला, वो लोग एयरपोर्ट बोला कि आपका जवाजात का कोई मसला है। जवाजात का मसला है? तो फिर आप जवाजात गए, जवाजात वाले ने क्या बोला? जवाजात में कुछ नहीं निकला मेरा। तो अम्बेसी वाले क्या बोले? अम्बेसी वाले बोले कि जाओ तुम जहाँ पर तुम्हारा केस हुआ है, कफिल केस किया है, उधर जाओ। कफिल आपके ऊपर कैसे किया? पुराना कफिल आप पे केस किया? पुराना कफिल। आप सऊदी से जेल के जरिए आप चले गए, जो आपका पुराना कफिल है, बाद में उन्होंने आपके ऊपर केस डाल दिया। केस क्या उन्होंने डाला? कि आप पैसे लेके भाग गए। हाँ, पैसा 25,000 रियाल का। 25,000 रियाल का। तो इस वक्त जो आप सऊदी से इंडिया नहीं जा पा रहे हो, तो आप अपने कफिल, जो पुराना कफिल, उससे बात किए? बात किया। तो वो क्या कह रहे हैं? बोल रहा है कि पैसा दो नहीं तो तुम जेल में जाओ। पैसा दो नहीं तो जेल में जाओ। तो जो भी लोग सऊदी में काम के लिए आते हैं ना, फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो, चाहे कंपनी में हो या कफिल के पास हो, अगर आप लोगों के साथ कोई भी मसला आता है, जैसे हुरूप को लेकर के, या कफिल या कंपनी छुट्टी नहीं देता है, इस केस में अगर आप पे हुरूप लग जाता है तो आप इंडिया चले जाते हो, या अगर आप जेल के जरिए भी जाते हो ना, तो सबसे पहले आप लोग अपना एंट्री चेक कराएं कि सऊदी में आपकी एंट्री है या नहीं है। अगर आप लोग एंट्री चेक नहीं कराते हैं, तो गलती से, धोखे से आपको सऊदी का वीजा अगर मिल भी जाता है, तो आने के बाद आप लोग बुरी तरह से फंस सकते हैं। अगर सऊदी में, जैसे कि आपको भी मालूम है कि जो भी लोग सऊदी से एक बार डिपोर्ट हो जाते हैं, जेल के जरिए चले जाते हैं, तो वो लोग सऊदी में, उनका लाइफ टाइम बैन होता है, दोबारा वो लोग सऊदी में नहीं आ सकते। अगर आ सकते हैं तो वो भी हज के लिए, उसका भी वीजा मुश्किल से मिलता है। तो आप जो सऊदी में दोबारा एंट्री किए, तो आप किस तरह से एंट्री कर गए, आपको वीजा कैसे मिल गया? आप प्रमाण पक्की वीजा पे आए या कैसे आए? विजिट वीजा पाया हूँ, 6 महीने। मतलब 6 महीने का विजिट वीजा, शटडाउन वीजा पाया किसी कंपनी में काम के लिए। तो इस दौरान एयरपोर्ट पे जब आप इंडिया से, आप इमिग्रेशन क्लियर किए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? प्रॉब्लम हुआ ना इंडिया में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सऊदी में। अच्छा, रियाद में, आप रियाद में एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हुआ, तो आपको क्या पूछा गया था? वो मेरा पासपोर्ट लिया। हाँ, पासपोर्ट लेकर वो मक्का में ले गया। हाँ हाँ, मक्का में ले जाकर मुझे 1 घंटा बैठाया उधर। ठीक है, बैठा कर फिर मुझे पासपोर्ट दिया, फिर फिंगर लगाया। हाँ हाँ, फिर से बाहर निकाल दिया। बाहर कैसे? मतलब आपको छोड़ दिया? छोड़ दिया। मतलब चाहते थे आपको एयरपोर्ट से वापस कर सकता था, बट आपको एयरपोर्ट से वापस नहीं किया और आपको सऊदी में एंट्री दे दिया। जब आप इस वक्त आप जाना चाहते हो, तो जो पुराना केस है वो सामने आ गया, अब आपको 25,000 रियाल पे करना है। इंडिया के हिसाब से अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास होगा। इंडिया के हिसाब से 5 लाख का है। 5 लाख के आसपास हो गए, बताओ 5 लाख के आसपास हो गए, 3 लाख वो मैं मिस्टेक से बोल दिया। कोई भी आदमी अगर सऊदी में काम के लिए आता है ना, तो उसकी कंडीशन ख़राब होती है तो ही आता है, और आने के बाद हर इंसान की सपना होता है कि 2 पैसा कमाए, और इस तरह से फंस जाए तो बहुत ही अजीब सा होता है। और इस वक्त जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है, आप कैसे जाओगे अपने देश? मैं गया था उधर एम्बेसी में, एम्बेसी में गया था। हाँ, एम्बेसी वाला बोल रहा है कि जाओ जहाँ तुम्हारा केस है, कपिल केस किया है, तुम उधर से अपना केस हल करो। केस हल करो? हाँ। तो हल करने के लिए आपके 25,000 रियाल चाहिए। तो 25,000 रियाल तो आपके पास है, गरीब आदमी पैसे कहाँ से लाएंगे? तो इस केस में आपने क्या सोचा, क्या करना? और आपके घर वाले इंडिया से क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कैसे भी आ जाओ। तो अब आपको फिर जेल के जरिए जाना दोबारा, वही करना पड़ेगा। पैसा तो है नहीं मेरे पास। पैसा तो है नहीं। अभी आप यहाँ पे कितने टाइम से बैठे हो? 2 महीना हो गया। 2 महीने से बैठे, 2 महीने से कोई सैलरी नहीं है कुछ नहीं।
और अल्लाह का शुक्र करो कि कंपनी रहने की जगह दिया अभी तक, और कंपनी ने अपने एकोमोडेशन से नहीं निकाला, हो सकता है कब निकाल दे कोई पता नहीं। तो वक्त के हिसाब से अपना जो भी अपना तरतीब करके जितना जल्द से जल्द हो सकता है निकल जाओ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, घर से पैसा मंगा खा रहा हूँ भाई, घर से पैसा मंगा के खा रहे हैं, और भाई साहब की हालत इस वक्त क्या चल रही है। और आप लोग कहते हो ना कि भाई सऊदी से मैं जेल के जरिए आया हूँ, क्या मेरा एंट्री है या नहीं है? तो अगर आपकी एंट्री हो भी जाती है ना, जो पुराना कफिल है ना, वो आपके ऊपर कभी भी रुकावट डाल सकता है। ये मत सोचो कि सऊदी से अगर आप फाइनल चले गए तो अब आपका कुछ नहीं हो सकता। जो पुराना कफिल है वो आपके फाइनल जाने के बाद भी वो आपके ऊपर केस डाल सकता है, आपको यहाँ पे बैन करा सकता है। बैन भी ऐसा होगा कि आपकी एंट्री हो जाएगी और आने के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और खैर, अल्लाह खैर करे। और इस वक्त भाई साहब की जो घर में हालत होगी बीवी बच्चे का या माँ बाप का, वो तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या बुरी स्थिति चल रही होगी। इतना ज़्यादा पैसा गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? और इनमें आप लोगों के बहुत से सवाल ये भी होता है कि भाई एग्जिट पेपर हमें किस तरह मिलेगा, या सऊदी एंट्री बैन किस तरह से चेक करें। इंडिया में जितनी भी कंसल्टेंसी है ना, आप उनसे बात करेंगे ना तो वो आपका काम करा देगा थोड़े बहुत पैसे ले दे करके। जैसे कि अगर आप क्रूज पेपर निकलवाते हैं फाइनल एग्जिट का, तो वो इंडिया का 1000 रुपये लगता है, या आप मतार पेपर निकालते हैं तो वो भी 1500 के आसपास में लग जाता है। इससे पहले भी मैं कोशिश किया था कि मैं लोगों का हेल्प करूं ये पेपर निकलवाने का, पर मुझे बदनामी मिला, तो इस वजह से मैं इस पेपर को नहीं निकलवाता हूं। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये पेपर सऊदी से निकलता है जबाजार से, या ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होता है। इसके लिए जो पुराना इकामा है उनकी कॉपी होना चाहिए। तो और भी आप कुछ बोलना चाहेंगे कि जो लोग सऊदी आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज? क्योंकि आपके अंदर से जितनी भी अल्फाज निकल रही है ना, वो रियलिटी निकल रही है, और मैं आपकी जो हालत को मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी स्थिति इस वक्त हो रही है। यही बोल रहा हूँ कि जो भी इधर रिपोर्ट होकर गया है, हाँ, कोई ना आए भाई का, कोई ना आए, कोई ना आए, आने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है, कोई ना आए भाई। जो रिपोर्ट चला गया दूसरे देश में जाओ कमाओ, अगर सऊदी से अगर आप लोग एक बार रिपोर्ट हो जाते हैं ना, तो सऊदी के अलावा आप किसी भी कंट्री जा सकते हैं, और सिर्फ सऊदी नहीं आ सकते। अगर सऊदी आप आ सकते हैं तो भाई साहब, जिस तरह से एयरपोर्ट पे एंट्री तो हो गया, एयरपोर्ट पे वैसे बहुत से इसको प्रॉब्लम भी हुआ, बट किसी तरह से वो लोग एंट्री कर दिया, और ये यहाँ पे काम करता रहा, ये बेखबर थे। जब ये छुट्टी जाने लगा फिर इसे मसला पता चला। आप सऊदी में कितने टाइम अभी काम किए जो दूसरे वीजा पे आए? 16 महीने काम करके अभी जा रहे हो। तो पिछली बार जो आए थे किसी कफिल पे कंपनी में? कफिल पे आए थे। अल्लाह रहम करे और ऐसा मुसीबत किसी के साथ। काम चल रहा था उसका। अच्छा, काम चल रहा था मगर उसका कंपनी बंद था। कंपनी बंद था उसका, हम लोग बैठा खिला रहा था। हाँ, तो 2 महीना 3 महीना 4 महीने पैसे देता था वो। हम लोग बोले कि हम लोग घर भेज दो। अच्छा, बोला कि नहीं तुमको घर जाना है तो पूरा पैसा दो, पूरा पैसा दो। तो फिर आपने पैसा नहीं दिया, अपने पकड़वा के चले गए? चले गए। अच्छा, मैं खाली कंपनी छोड़ दिया, 5-6 महीना काम किया बाहर में, फिर चला गया। मतलब वहां से भाग गए और पुलिस में पकड़वा के आप चले गए। तो अभी आप पुलिस में भी पकड़वा के नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। तो अभी आप किस तरह से जाओगे वो अल्लाह बेहतर जानता है, चाहे आप बॉर्डर के जरिए या चाहे पुलिस के जरिए। और आप लोग इशारों में समझ सकते हो, मैं खुल के सारी बातें सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकता हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई हालात, अगर जाना चाहते हो, बहुत से ऐसे रास्ते हैं, और क्या कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो होती है ना, ग्रुप लेबर लॉ के ही के ऊपर होता है, ताकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत से ऐसी कहानी है, बहुत से ऐसे मुझे बंदे मिले हैं, और ये भाई काफ़ी टाइम से परेशान था मुझसे मिलने के लिए, और मिला है, और जितना हल हो सकता है मैं इनका निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। अगर और भी आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे आप लोग कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, और किसी नेक्स्ट प्यारा सा अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।